जमशेदपुर में जब मैंने अपना पहला 100 किया, सो आई स्टिल हैव दैट बैट एंड आई विल शो यू अ पिक्चर ऑफ दैट बैट ओवर हेयर। और फिर कैलकटा में जब मैं IPL खेला, जो कि अनदर वन ऑफ माई विजिट्स टू इंडिया विच आई प्लेड फॉर कैलकटा नाइट राइडर्स द फर्स्ट एडिशन, तो वी वर गिवन दैट गोल्डन हेलमेट बाय शाहरुख खान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। एंड आई रियली एम एक्सपेक्टिंग के सारे जो हैं वो एज एडवाइज बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स, जहाँ जहाँ भी वेर एवर यू पीपल आर, आप लोग सब जो है सेल्फ क्वारंटीन में होंगे, कीपिंग डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, टेकिंग द मास्क एंड ऑल द प्रिवेंशन, जस्ट वॉशिंग योर हैंड्स एवरी नाउ एंड देन, यूजिंग द हैंड सैनिटाइजर्स इफ़ यू हैव टू, एंड ऑब्वियसली यू नो लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ एंड अदर्स और टेकिंग ऑल द प्रिवेंटिव मेजर्स। एंड आई रियली होप के हम सबको द होल वर्ल्ड गेट्स रेड ऑफ दिस वायरस, इससे जान छुटे सबकी और जो है चीज़ें नॉर्मल हों, एक्टिविटीज़ रिज्यूम हों। जाहिर है सब लोग काम रुके हैं, बींग अ स्पोर्ट्समैन आई नो के हाउ टाइड अप वी आर एट होम, ना वो फुल फ्लेज आप घर में ट्रेनिंग कर सकते हैं और ना ही क्रिकेट हो रही है विच वी ऑल लव, बट एट द मोमेंट दिस इज़ द वे टू गो एंड दिस इज़ द बेस्ट वी कैन डू। एंड आई होप के हर कोई इसमें अपना हिस्सा डाल रहा होगा और कोऑपरेट कर रहा होगा, नॉट ओनली फॉर योर ओन गुड बट फॉर द गुड ऑफ अदर्स। तो आई हैड मेड अ वीडियो वेयर पीपल आस्क मी अबाउट प्लेइंग सम स्विंग बॉलिंग एंड स्विंग बॉलिंग एंड देन देयर वॉज अ क्वेश्चन दैट टेल अस अबाउट योर टूर ऑफ इंडिया। सो आई हैव टूर्ड इंडिया 5 times और I will, you know, just give you a brief history. I've been there in 2004 with the Pakistan team, in 2007 with the Pakistan team. Then we played a Bradman Cup in Bangalore, jisme World 11 thi, and MS Dhoni was part of our team, and we had Adam Holyoake as our captain. Dean Jones played for us. Jawagal Sirinath was playing in that team. And from Pakistan, myself, Shoaib Malik and Kamran Akmal and Mohammad Sami, 4 players from Pakistan were there. So we had a great time. And usse pehle in 2003-04 Pakistan ki A team aayi thi led by Shahid Afridi, and we came to Calcutta to play a tournament tri-nation between India, Sri Lanka and Pakistan, which was a wonderful experience. Itne zyada 80,000 ke crowd kabhi kaafi sare players ne dekhe nahi the including myself, to bahut maza aaya wahan par khel kar aur bada unique experience tha. और क्योंकि बहुत दफ़ा इंडिया आया हूँ तो बहुत सारी अच्छी मेमोरीज़ हैं, अच्छी यादें हैं, तो जो है सब कुछ तो नहीं अब एक वीडियो में बता सकता, लेकिन जिक्र करूँगा यहाँ पे कि जब मैं हम लोग इंडिया आए हैं 2004 के टूर पे, इंजी भाई जब हमारे कैप्टन थे, इंजमामुल हक, और इट वाज़ ह्यूज टूर, और बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान की टीम फुल टेस्ट वन डे टूर पर इंडिया आई थी, एंड ऑस्ट्रेलिया से हम लोग खेल कर आ रहे थे, वी डिडंट हैव अ ग्रेट सीरीज़ इन ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जब हम इंडिया आए तो ज़बरदस्त सीरीज़ हुई, टेस्ट सीरीज़ जो है वो ऑब्वियसली हमने एक एक से ड्रॉ हुई, वी यू नो वी वन द टेस्ट इन बेंगलोर एंड वी लेवल्ड द सीरीज़ इट्स, और उसके बाद जो वनडे जो था वो वी लॉस्ट द फर्स्ट 2 वनडेज एंड वी वन द फाइनल 4, और जो 6 की सीरीज़ थी वो जो है हमने 4-2 से जीती, और इट वाज़ अ रिमार्केबल कम बैक के 2-0 डाउन होने के बाद 4 से हम लोग जीते। सो व्हेन आई केम ओवर देयर और जब ये सीरीज़ स्टार्ट हुई तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे, तो मैं पहला टेस्ट मैच खेला चंडीगढ़ में, और खैर वहाँ पर तो मैं आउट हो गया दोनों इनिंग्स में जल्दी, और उसके बाद दोनों अगले टेस्ट मैचेस मैं नहीं खेला, लेकिन उसके बाद वनडे सीरीज़ जो थी वो मैंने खेली, और वनडे सीरीज़ मेरी अच्छी रही, मैंने 4th वनडे में जो है वो 3rd वनडे में आफ्टर बीइंग 2-0 डाउन द फर्स्ट गेम दैट वी वन, आई वॉज लकी दैट आई स्कोर 100 इन दैट गेम इन जमशेदपुर दैट वॉज प्लेड, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा फुल टूर पे, द वे वी वर ग्रीटेड बाई पीपल एवरीवेयर। और जब हम चंडीगढ़ गए पहले मैच के लिए, तो उसका तो एक झलक ऐसी लगती थी कि जैसे हम लाहौर की किसी जो है ना जगह पे फिर रहे हैं, काफ़ी रिजेम्बलेंस थी उसकी लाहौर से, और बड़ा जो है सिक्योरिटी का बड़ा एहतमाम था, और वहाँ पर
पर्सनल कमांडोज जो थे वो प्लेयर्स के साथ मूव करते थे एंड दे जस्ट वुडंट लेट अस डू एनीथिंग. वो हर चीज़ में जो है ऑब्वियसली सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए एज एडवाइज वो पहले इजाज़त लेनी पड़ती थी, उन्हें बताना पड़ता था, लेकिन वो लोग इतना कोऑपरेटिव थे कि कोई भी काम होता था तो दे रादर डू यू नो जो भी काम था वो खुद ही कर लेते थे और हमें बाहर जाने के वो रिस्ट्रिक्ट करते थे कि आप बाहर मत जाएं या कम से कम जाएं, और अगर कहीं जाना है तो ऑब्वियसली उनके साथ मूव करना पड़ता था. तो मुझे याद है कि चंडीगढ़ में आई वांटेड सम कॉस्मेटिक्स जो मेरे मिसिंग थे बैग में से, तो जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो एक स्टोर वाला ही बंदे ही उसको साथ ले आए जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे जाके, और उस बेचारे ने अपनी शॉप क्लोज़ की एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम इवन टुडे कि अपना सारा काम बंद करके, वो ऑब्वियसली उसका टाइम ज़ाया हुआ होगा, शाम का वक्त था तो इस टाइम पे लोग अक्सर ज़्यादा आते हैं ऐसी शॉप्स पे, तो खैर वो आया और हॉस्पिटैलिटी बड़ी ज़बरदस्त थी. हमारे एक सरदार जी थे जो हमारे मेरे साथ थे एज यू नो सिक्योरिटी पर्सन, और मैं और कामरान अकमल, एक छोटा सा वाकया है कि हम लोग बात कर रहे थे एंड देयर इज अ स्मॉल स्टिकर जो बैट के नीचे लगता है जो बैट मेकर के अलावा एक स्पॉन्सर का होता है, तो उसकी इजाज़त मैच रेफरी से लेनी पड़ती है. एंड देयर वाज सम आई डोंट रिमेंबर नाउ कोई कंपनी थी जिसने हमें जो है वो बैट स्टिकर लगाने के लिए बोला, बट व्हेन वी वेंट टू द मैच रेफरी तो उसमें थोड़ा टाइम लगता था, तो हम दोनों आपस में ये बात कर रहे थे कि एक दो दिन में इजाज़त मिल जाएगी, अल्लाह करे कि मैच से पहले मिल जाए, सो यू नो वी कैन यूज़ दैट स्टिकर. और सरदार जी ने हमारी बात सुनी एंड ही थॉट कि ICC जो है ये कोई इंसान है और वो हमें इजाज़त नहीं दे रहा, तो उन्होंने बड़ा उसको माइंड किया और उन्होंने कहा कि ऐसा पता पता दसो इन चितर चितर फेरिए. सो दैट वॉज सच अ हिलेरियस कॉमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि उस वक्त उसका बहुत ज़्यादा जो है वो फ़नी लगा जिस तरीके से उन्होंने ये कहा और जिस तरह उन्होंने प्रिज्यूम किया एज कि हम किसी इंसान की बात कर रहे हैं जो हमें कुछ करने नहीं दे रहा. सो दैट वॉज वेरी स्वीट ऑफ हिम. अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिकेट इन इंडिया इज़ जस्ट एन अदर एक्सपीरियंस, इट्स नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. इतना मज़ा आया वहाँ पर क्राउड्स का. ऑब्वियसली बींग अ पाकिस्तानी जब आप उधर जाते हैं एंड इफ़ यू डू वेल एट टाइम्स, जो फैसिनेटिंग चीज़ है कि आप चौका मारते हैं जित हज़ारों का मजमा जो है वो बिल्कुल क्वाइट हो जाता है. एट टाइम्स जो है आप विकेट लेते हैं और जो सिचुएशन टाइट होती है, और अगर हम विकेट लेते थे इंडिया की तो तब भी वो मजमा बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था. ऐसा लगता था क्लासरूम में कोई पढ़ा रहे और किसी को बोलने की इजाज़त नहीं है. तो वो बड़ा एक यूनिक एक्सपीरियंस था. फिर जब हमने बाज़ारों में जाना, लोगों ने बड़ी रिस्पेक्ट करनी है. टाइम्स पूरी कोशिश वो लोग करते थे कि या तो हमसे पैसे ना लें या हमें बहुत अच्छा डिस्काउंट ऑफर करें, और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा जो है हमारे इसरार के बावजूद लोगों ने जो है हमें शॉपिंग में बहुत बड़े डिस्काउंट्स दिए, और एट टाइम्स जो है बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को गिफ्ट भी कर देते थे. सो दिस वॉज देयर वे ऑफ शोइंग लव एंड वेरी वेरी यू नो यूनिक एक्सपीरियंस. दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता जो पाकिस्तान इंडिया जाए तो जो वहाँ पर लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, या इंडिया की टीम पाकिस्तान आए तो यहाँ के लोग भी उनके साथ ऐसे ही मोहब्बत करते हैं. मुझे याद है एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया टूर पर हम लोग किसी शॉपिंग प्लेस से वापस आ रहे थे, तो हमने एक टैक्सी बुलाई, और टैक्सी जो है जब आई तो वो उसमें ड्राइवर जो थे वो सरदार जी थे, और सडनली जब हम लोग आपस में बैठे पंजाबी में बात कर रहे थे तो उन्होंने हमसे बात करनी शुरू की, और उन्होंने बताया कि वो इंडियन पंजाब से हैं, और फिर पंजाबी में जब गपशप लगी तो बड़े खुश हुए. एंड जब हमारी मंजिल आ गई, जब उन्होंने हमें होटल पर उतारा, तो इस साइड ये हो ही नहीं सकता कि मैं आप लोगों को चार्ज करूं, तो आप तो अपने ज़ुबान बोलने वाले हैं और आप पाकिस्तान से आए हैं. सो ये वाकयात बहुत सारे हुए एंड दिस इज़ यू नो दिस इज़ वाई आई से कि स्पोर्ट में और लोगों में देर इज़ नथिंग लाइक कि एक दूसरे से यू नो कोई नफरत नहीं करता, बल्कि मोहब्बत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं जहाँ मिल जाए जो मिल जाए, और बड़े कम लोग हैं जो मिसअंडरस्टैंड करते हैं और शायद उनके जहन में कुछ और है जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है. लोगों को ज़्यादा ऑन बाय एंड लार्ज किसी को किसी से कोई मसला नहीं है. पीपल वॉन्ट टू को एग्जिस्ट, लिव द वे दे आर एंड यू नो बी देमसेल्व्स. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इंडियन टूर पे था. इस पर कभी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक दो चीज़ें थी जो फ़ौरन मेरे माइंड में आई, क्लिक की और उस पर मैंने बात की. और कुछ चीज़ें मेरे पास आए कि जैसे जमशेदपुर में जब मैंने अपना पहला 100 किया, सो आई स्टिल हैव दैट बैट एंड आई विल शो यू अ पिक्चर ऑफ दैट बैट ओवर हेयर. और फिर कैलकटा में जब मैं IPL खेला, जो कि अनदर वन ऑफ माई विजिट्स टू इंडिया विच आई प्लेड फॉर कैलकटा नाइट राइडर्स द फर्स्ट एडिशन, तो वी वर गिवन दैट गोल्डन हेलमेट बाय
शाहरुख खान वॉज द टीम ओनर एंड ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन. और उसकी भी आई विल शो यू दैट पिक्चर एंड आई हैव स्टिल कैप्ट अ जर्सी ऑफ दैट टीम एंड इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस प्लेइंग एन इंटरनेशनल लीग विद सो मैनी सुपर स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड. और बड़ा अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था. सो देर आर सो मैनी थिंग्स एज आई सेड बिफोर, पिछले भी मैंने वीडियो में कहा था कि इंडिया के टूर पर एक वीडियो नहीं बन सकती. इंडिया के टूर पर वी हैव टू यू नो डू इट इन सेट्स. अगर आपके इसमें से कुछ क्वेश्चंस होंगे या फर्दर यू वांट टू नो अबाउट इट, जो भी इसमें कमेंट्स आएंगे आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो अबाउट दैट. और इस वीडियो के साथ ही मैं वो पिक्चर्स कुछ अटैच करूँगा विच विल यू नो विच आर फ्रॉम द इंडियन टूर्स एंड विच रिलेट टू सम वेरी गुड मेमरीज, जिन बैट्स के साथ 100 किया हुआ है अगेंस्ट इंडिया और जो वहाँ पर लीग खेली है. और ऑल इन ऑल अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. आई स्टिल विश कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आगे क्रिकेट खेले, पाकिस्तान की टीम इंडिया जाके खेले. इससे अच्छा स्पोर्टिंग इवेंट दुनिया में नहीं है, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और वॉच इवेंट दुनिया में नहीं है. और इसका फ़ायदा दोनों तरफ के प्लेयर्स के होता है. बट आई डोंट नो हु इज़ अबव ऑल जिसको ये बात समझ नहीं आती और जाने क्यों वो इस तरह के फैसले करते हैं जिससे लोगों में जो है डिस्टेंस क्रिएट होता है और ऑब्वियसली कोई अच्छी फिजा क्रिएट नहीं होती. आई रियली होप दोज डेज आर बैक and you know people can cross over and you know enjoy both sides of the border.